आज मैं बताऊंगी बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना। तो मैं 28 इंच से 34 इंच तक का बताऊंगी, और आपको जितना भी कंफ्यूजन है बोट नेक लेकर तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं ब्लाउज से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन की सोल्यूशन बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा को डबल कर लिए, आप देख सकते हैं ये डबल है हमारा कपड़ा। थोड़ा सा अलग होता है, जो हमारा सिंपल ब्लाउज होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। आप ये मत सोचिएगा कि हम नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा अलग होता है, मैं इसमें डिक्लेयर के मैं आपको बता दूंगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज कर लेते, ब्लाउज का लंबाई हमारा 16 इंच है, हम 16 इंच, फिटिंग हमारा 14.5 इंच है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा में लिए हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं इसलिए ली हूँ कि जो हमारा है 100 इंच वो इधर से दब जाएगा, यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। अब इस तरह से मैं निशान लगा दी, ये हमारा तुरपाई में चल जाएगा। और यहाँ हम 1/2 इंच यहाँ पकड़ेंगे जो हमारा यहाँ शोल्डर में दबेगा इस तरह से। तो यहाँ से हम फिर से नाप लेके देख लेते हैं, 14.5 इंच हमारा परफेक्ट में आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको भी लेना है। तो आपका ब्लाउज जितना लंबा होगा, जैसे 13 इंच तो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर 14 इंच तो उससे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और जैसे 15 इंच तो उसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा लीजिएगा, और एक्स्ट्रा जो भी लेंगे आप यहाँ से मोड़ देना है पूरा, नहीं तो आप फिर ब्लाउज आपका लंबा हो जाएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा ली है तो हर ब्लाउज में लेती हूँ, जैसे सिंपल ब्लाउज हो गया या कॉलर वाला या तो बोट नेक, सब में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ इस तरह से। और अगर कपड़ा कम है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम पट्टी ज्वाइंट करके, जो हम ये वाला कपड़ा मुड़ते हैं वो हम पट्टी ज्वाइंट करके मुड़ते हैं, लेकिन कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, यही कपड़ा को मोड़ दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं शोल्डर का बताती हूँ, जैसे बोट नेक में शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, शोल्डर थोड़ा सा भी कम कटने से शोल्डर हमारा खींचने लग जाएगा। तो यहाँ का आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 28 इंच से मैं शुरू कर रही हूँ, तो 28 इंच का हम लेंगे 6 इंच, यहाँ से पूरा शोल्डर को नापना है इसमें, तो 6 इंच लेंगे। तो 6 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे, जिसमें से 3 इंच हमारा शोल्डर बच जाएगा, और जो हमारा 3 इंच इधर बचा वो हमारा नीचे तरफ गला कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम आर्महोल लेंगे, तो आर्महोल हम लेंगे इसका 6 इंच, 6 इंच में निशान लगाना है इस तरह से, और इसे हम सीधा कर लेते हैं। और 1/2 इंच हम इसमें अंदर आएंगे, ये हमारा बोट नेक का ब्लाउज है तो इसमें हम 1/2 इंच अंदर आएंगे, इस तरह से आना है अंदर, 1/2 इंच अंदर तरफ आना है, और इसमें राउंड लगा देना है 1 इंच का राउंड इस टाइप से। इस तरह से आपको आर्महोल लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेते हैं, चेस्ट हमारा जो है 28 इंच में चौथाई भाग में 7 इंच हुआ, तो 7 इंच में हम इस तरह निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे हम सीधा कर देंगे, और एक्स्ट्रा में हम 1.5 इंच लेंगे इसे सीधा कर देंगे, इसी तरह से करना है। हम यहाँ गला का बता रहे हैं, गला हम नीचे 3.5 इंच आएंगे इस टाइप से, और यहाँ से हम इस तरह से नीचे बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना देंगे, और इसे हम बोट का इस तरह से यहाँ से यहाँ राउंड दे देंगे, बोट का ज़्यादा गड्ढा से राउंड नहीं करेंगे, यहाँ से कोने से ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से ही ऐसे राउंड देंगे ऊपर से ही इस टाइप से, 1 इंच के राउंड घुमा के देंगे, यहाँ से 1 इंच का राउंड, इस तरह से हमें राउंड देना है बॉट नेक का। उसके बाद आप बैक साइड में आप अगर डिज़ाइन देना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप डिज़ाइन कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे बॉट हो गया या तो आप दीप साइज का हो गया, कुछ भी यहाँ आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कोई भी डिज़ाइन, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें कि यहाँ हमें छोड़ करके पीछे तरफ छोड़ करके यहाँ से, नहीं तो हमारा यहाँ से पूरा ब्लाउज आपका कट जाएगा, यहाँ से यहाँ उस तरह से रख करके उसके बाद यहाँ से डिज़ाइन ड्रॉ करना है, इसी तरह सब कर लीजिएगा। उसके बाद मैं 30 इंच का बताती हूँ, तो 30 इंच का भी यही सेम फार्मूला है, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे शोल्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 6.5 इंच लेना है और यहाँ ऐसे निशान लगा देना है। और इसमें फार्मूला यही है कि जैसे जितना हम इधर से बढ़ेंगे उतना हम गला तरफ से कम करेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना हम इधर आर्महोल तरफ से बढ़ेंगे उतना हम गला तरफ से इधर बढ़ाएंगे। तो 1/2 इंच में यहाँ से बढ़ी तो 1/2 इंच यहाँ से मैं मैनेज करूँगी, ठीक है, इस तरह से इधर से बढ़ाऊँगी, बस यही फार्मूला, बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद में इसे भी हम इसी में बॉक्स बना देते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं, और इसी में हम राउंड लगा देते हैं बोट का इस टाइप से, इस टाइप से इसी में हम राउंड लगा देंगे। जितना आप सोच के कंफ्यूज होंगे उतना है नहीं, बहुत इजी है, जितना हम 1/2 इंच इधर से बढ़ाएंगे उतना 1/2 इंच हम इधर से बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें 3 इंच रखना है, अगर आपको शोल्डर पतला पहनना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, इधर से अगर पतला पहना है तो आप इधर से कम करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब मैं बताती हूँ इसका आरमोल का। तो आरमोल मैं भी ऐसे ही मैं लूंगी जैसे हाफ इंच में इधर तिरछा आऊंगी और यहाँ से मैं हाफ इंच बढ़ा दूंगी इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ से राउंड लगाना है थोड़ा नीचे, यहाँ से एक इंच का ही कोण आपको यहाँ से चेस्ट का नाप लेना है, जैसे कि हमारा जो 32 इंच का जो होगा हमारा चौथाई भाग में, उसे यहाँ ले करके जैसे मैं यहाँ निशान लगाई सीधा करके वैसे ही निशान लगा। उसके बाद मैं बताती हूँ 32 इंच का। तो 32 इंच हमें लेना है शोल्डर 7 इंच, तो 7 इंच हम इस पर निशान लगाएंगे। जितना साइज का हमारा बढ़ते जाएगा उतना हाफ हाफ इंच बढ़ते जाएगा, ठीक है। जो भी साइज का बनाएंगे हाफ हाफ इंच बढ़ा के लीजिएगा, आपका परफेक्ट बनेगा। आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बार बार ना करो। तो हाफ इंच हम इधर से बढ़ा किए और हाफ इंच हम इधर से बढ़ाएंगे गला तरफ से इस तरह से। यहाँ हमें 3 इंच ही रखना है, और अगर पतला पहनना है तो आप इधर से पतला कर सकते हैं, इधर से आर्मोल तरफ से कीजिएगा, गला तरफ से नहीं, आर्मोल तरफ से आप पतला कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच जैसे यहाँ से बढ़ गए, जितना हाफ इंच हम इधर से बढ़ेंगे उतना हाफ इंच हम इधर से बढ़ेंगे। तो इसे भी इसी तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं 3.5 इंच पर ही, और नीचे गहराई में 3.5 इंच पर ही, और ऐसे यहाँ से हम बॉट का यहाँ से हम गुलाई दे देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से हम बॉट का गुलाई दे दिए, यह कोना से 1 इंच का राउंड होना चाहिए, 1 से 1.25 इंच का। तो आपका बॉट का जो यहाँ राउंड है गोल शेप है वो बहुत सुंदर आ जाएगा, ठीक है। और आर्मोल हम इसका 7 इंच लेंगे, और 7 इंच लेने के बाद में जो हम ऐसे निशान लगाएंगे हाफ इंच यहाँ से, जैसा हाफ इंच हमारा हो गया इस तरह से, हाफ इंच हम यहाँ से अंदर आएंगे इस तरह से तिरछा में। यहाँ से मैं हर साइज में बताई कि हाफ इंच अंदर से ऐसे तिरछा आना है और इसमें मिला देना है, 1 इंच का राउंड लगा देना है। उसके बाद मैं बताती हूँ 34 इंच का। जैसे 34 इंच में हमें 7.5 इंच लेना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और उसमें भी मैं इसी तरह हाफ इंच यहाँ से बढ़ा दूंगी, बहुत ही इजी है बनाने में। देखिए हाफ इंच में इधर से बढ़ रही हूँ तो हाफ इंच में यहाँ से बढ़ा रही हूँ, बस यहाँ हमें 3 इंच रखना है, जितना गला गला तरफ छोड़ देना है, ठीक है, इधर से। और इसे भी इसी तरह 3.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ से फिर ऐसे हम राउंड दे देंगे, ठीक है। और इसे भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, यहाँ से हाफ इंच तिरछाएंगे अंदर से, और यहाँ हम 1 इंच का गुलाई दे देंगे। और यहाँ जो हमारा है जितना हमारा चौथाई भाग में हो रहा है उतना हम सीधा कर लेंगे, और मार्जिन जो हमारा वो रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। और यहाँ जो हमारा है यहाँ अगर आप जो भी कटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल रखना है इसी तरह से तो इसी तरह रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं इसमें सिंपल इसी तरह से रखूंगी, यहाँ सिर्फ मैं बॉट बनाऊंगी और यहाँ मुझे मैं सिंपल रखना है, और यहाँ से मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 32 इंच साइज का कटिंग करूंगी मैं, इसमें कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा ज्यादा दाग हो गया है, निशान हो गया हमारा जो इसमें, ये मैं मिटा लेती हूँ, उसके बाद मैं 32 इंच का मैं इसमें कटिंग करके देख सकते हैं आप। इसमें मैं सारा मिटा दी, इसमें मैं 32 इंच का कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आप 36 इंच का भी बनाएंगे वो भी मैं बता देती हूँ कि इसी तरह से हाफ इंच यहाँ से बढ़ा लेना है और हाफ इंच यहाँ से बढ़ा देना है। तो इस फॉर्मूला सेम है, आप सोच के बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जो नहीं समझ में आएगा मेरे सब कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। यहाँ मैं ले लेती हूँ 7 इंच शोल्डर, 7 इंच में निशान लगा दी। और आर्मोल लेना है हमें 6.5 इंच, इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी और इसे मैं सीधा कर लूंगी इस तरह से। हाफ इंच में अंदर आऊंगी जैसे मैं बताई कि हाफ इंच अंदर आना है, और इसे मैं गुलाई दे देती हूँ 1 इंच का इस टाइप से। और यहाँ से मैं जो शोल्डर 7 इंच ली उसमें से मैं 3 इंच शोल्डर छोड़ दूंगी, और बाकी का मैं गला ले लूंगी इधर, और इसे भी मैं 3.5 इंच नीचे निशान लगाऊंगी ऐसे करके, देख सकते हैं। और इसे मैं बॉट में ऐसे ड्रॉ करूंगी जैसे कि गुलाई दूंगी इसको इस टाइप से। और पीछे हमें कुछ नहीं करना है, पीछे मैं सिंपल रखूंगी। और चेस्ट का नाप तो हमारा यही है, मैं साइज में यहाँ कटिंग कर रखी थी तो ये हमारा है, तो ये मैं कटिंग कर देती हूँ, मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैं कटिंग कर ली, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारा बॉट कितना सुंदर कटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर गुलाई में कटिंग हुआ है। मैं इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है, और इसका आर्मोल भी देख सकते हैं कितना सुंदर सा आया। इसका आर्मोल हम हाफ इंच अंदर इसलिए आते हैं, जो यहाँ जो शोल्डर जो हमारा है बहुत चौड़ाई कपड़ा ले लेता है, तो यहाँ अगर हम उसी निशान से हम सीधा करेंगे तो यहाँ हमारा जो कपड़ा है वो फूक जाएगा। इसीलिए मैं आपको डिटेल बता देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है।
और मैं आगे का पल्ला भी दिखाती हूँ कि कैसे कटिंग की हूँ। तो आगे का पल्ला जो हमारा है वो सिंपल है, आप देख सकते हैं सिंपल में कटिंग की हूँ, इसमें बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं है, तो बहुत ही इजी है बनाने में। और आगे मैं कटिंग कर रखी हूँ, यहाँ हमारा हुक लगेगा तो आगे मैं कटिंग कर दी हूँ, देख सकते हैं दो पल्ला है हमारा ये वाला। तो इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।